जो कि दिल्ली से है, देश की राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी, जोरबाग नई दिल्ली इलाके में ईडी की छापेमारी, दिल्ली एनसीआर के अलावा कई दूसरे राज्यों में भी छापे पड़े हैं। 30 से ज्यादा जगह बताई जा रही है जहां पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापे, लखनऊ, गुरुग्राम, चंडीगढ़ में छापेमारी लगातार जारी है, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु में भी ईडी का छापा पड़ा है। बड़ी खबर आपको देश की राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं जहां पर ईडी की छापेमारी लगातार देखने को मिल रही है। शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार लगातार सवालों के घेरे में है, लगातार सवाल भी पूछे जा रहे हैं, शिकंजा कसा जा रहा है केजरीवाल सरकार पर। शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दिल्ली में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी, जोरबाग और नई दिल्ली इलाके में ईडी ने छापा मारा। दिल्ली एनसीआर के अलावा दूसरे भी ऐसे राज्य हैं जहां पर छापेमारी की गई है और अभी भी छापे चल रहे हैं। 30 से ज्यादा जगह बताई जा रही हैं, 30 से ज्यादा जगह बताई जा रही हैं जहां पर ईडी की छापेमारी अभी भी जारी है। कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं, कई शराब कारोबारी हैं जहां पर अलग अलग राज्यों में छापेमारी की गई है। लखनऊ में छापेमारी की गई है, गुरुग्राम में छापेमारी की गई है और लखनऊ में भी ईडी ने शराब कारोबारियों के यहां पर छापेमारी की गई है। और मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में भी छापेमारी हो रही है इस समय, हैदराबाद में भी और बेंगलुरु में भी ईडी का छापा पड़ा है। तो कई शराब कारोबारियों को यहां पर ईडी की छापेमारी लगातार देखने को मिल रही है। ईडी एक्शन में इस समय नजर आ रही है, दिल्ली में ईडी इस समय एक्शन में नजर आ रही है पूरी तरह से। शराब घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई, कई जगहों पर ईडी की छापेमारी लगातार देखने को मिल रही है। सिसोदिया पर शिकंजा कसा जा रहा है, डिप्टी सीएम दिल्ली के उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के अलावा दूसरे भी ऐसे राज्य हैं जहां पर छापेमारी लगातार की जा रही है। 30 से ज्यादा जगह हैं जहां पर ईडी की छापेमारी जारी है, कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। लखनऊ, गुरुग्राम, चंडीगढ़ यहां पर छापेमारी अभी भी चल रही है। मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में भी ईडी का शिकंजा देखने को मिल रहा है पूरी तरह से। ईडी का शिकंजा और छापेमारी की जा रही है जगह जगह पर, क्योंकि शराब घोटाले की जो खबर निकलकर सामने आई है उसको लेकर कई राज्यों में और कई अलग अलग शहरों में ईडी का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी बार बार दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधती है। आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है बीजेपी की तरफ से। लवली बख्शी संवाददाता हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। लवली, आज दिल्ली में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी, क्या अपडेट है छापेमारी को लेकर, क्या अभी तक चल रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शराब नीति के खिलाफ जो कि पहले सीबीआई ने इंक्वायरी करी थी, सीबीआई के बाद ईडी ने एफआईआर दर्ज करी, उसके बाद ईडी एक्शन में आई है और ईडी का एक बड़ा एक्शन इस समय दिल्ली, एनसीआर, देश के अलग अलग राज्यों के अंदर समेत 30 जगह छापेमारी चल रही है। जो कि आपको मैं बता दूं, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, दिल्ली एनसीआर के अंदर जो शराब के कारोबारी हैं, जो शराब के ठेकेदार हैं, जो कि ब्लैक लिस्टेड थे, जिनसे पैसे के लेन देन के अंदर धांधली के अंदर नाम आए हैं, जो कि जो 15 लोग एफआईआर के अंदर थे, उनसे जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, इन सभी जगह के अंदर ईडी की छापेमारी चल रही है। जिसके अंदर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मिलता जुलता मामला है, जिसके अंदर मनीष सिसोदिया की धांधलीबाजी इसके अंदर बताई जा रही है, उसको लेकर ईडी का एक बड़ा एक्शन है। और बीते दिन पहले ही, एक दिन पहले अभी बीजेपी ने भी एक स्टिंग ऑपरेशन, इसका एक वीडियो जारी किया था, जिसके चलते एक बड़ी कार्रवाई ईडी की दिख रही है लगातार 30 जगह पर। कई जगह ऐसी, सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात नहीं है, उसके अलावा लखनऊ में छापेमारी चल रही है, हैदराबाद में छापेमारी चल रही है, गुरुग्राम में छापेमारी चल रही है, यानी ईडी का शिकंजा पूरी तरीके से। लवली, बिल्कुल, ईडी का शिकंजा पूरी तरीके से कर चुका है। देश के अलग अलग राज्यों के अंदर इस समय 30 जगह के अंदर छापेमारी चल रही है, लखनऊ के अंदर चल रही है, बेंगलोर में, हैदराबाद के अंदर चल रही है, मुंबई के अंदर चल रही है। और ईडी एक बड़े एक्शन मूड के अंदर है, जिसके अंदर जितने भी बड़े बड़े शराब के कारोबारी हैं जो कि जुड़े हैं इस गलत फायदा उठाने में और गलत तरीके से इसके अंदर फायदा उठाने में, इसके चलते छापेमारी ईडी की चल रही है और ईडी की बड़ी कार्रवाई इस समय जारी है। बहुत शुक्रिया लवली, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ईडी की छापेमारी लगातार देखने को मिली दिल्ली एनसीआर समेत देश के
कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ईडी की छापेमारी इस समय चल रही है। दिल्ली एनसीआर के अलावा 30 से ज्यादा जगह ऐसी हैं, कई राज्यों में ईडी की छापेमारी इस समय चल रही है। लखनऊ में छापेमारी चल रही है, गुरुग्राम में, हैदराबाद में और बेंगलुरु में भी ईडी का शिकंजा लगातार देखने को मिल रहा है। मनीष सिसोदिया से लगातार उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। दिल्ली की सरकार सवालों के घेरे में है, बीजेपी आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और स्टिंग ऑपरेशन की एक वीडियो भी बीजेपी की तरफ से जारी की गई है जिसमें शराब घोटाले को लेकर बातचीत की जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर के अलावा और कई जगह है जहां पर ईडी की छापेमारी, जो स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो जारी हुई है उसको सबूत के तौर पर बीजेपी सामने लेकर आ रही है कि जो स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो सामने आई है, बीजेपी का कहना है कि ये सबूत है किस तरीके से देश की राजधानी में शराब को लेकर घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है। वो स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी को एक और मौका मिला है दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा करने का और सवालों के घेरे में खड़ा करने का, और उसको लगातार वायरल भी किया जा रहा है। हालांकि सिसोदिया पर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। 30 से ज्यादा जगह है आज, 30 से ज्यादा ठिकाने हैं आज जहां पर छापेमारी ईडी की देखने को मिल रही है। कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। एक तो दिल्ली में अलग अलग जगह पर छापेमारी, चाहे वो नई दिल्ली में हो या फिर जोरबाग में हो, उसके अलावा गुरुग्राम, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई, कई जगह पर इस समय छापेमारी ईडी की देखने को मिल रही है देश के अलग अलग राज्यों में और अलग अलग शहरों में। सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली की बात नहीं है, उसके अलावा और भी कई शराब कारोबारी हैं जहां पर घोटाले हुए हैं, उसको लेकर ईडी लगातार एक्शन में समय नजर आ रही है। 30 से ज्यादा ठिकाने, लगातार कई दिनों से ये मामला गरमाया हुआ है शराब घोटाले का, जो कि देश की राजधानी दिल्ली से शुरू हुआ था और अब ये छापेमारी दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंच चुकी है और वहां पर छापेमारी की जा रही है। शराब कारोबारी और भी हैं, दिल्ली से बाहर ही छापेमारी की जा रही है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि दिल्ली से शराब की सप्लाई की जाती है या फिर हरियाणा से शराब की सप्लाई की जाती है अन्य राज्यों के लिए, और यही वजह है कि दूसरे राज्यों में भी अलग अलग छापेमारी लगातार की जा रही है। 30 से ज़्यादा जगह आज बताई जा रही है जहाँ पर ये छापेमारी भी इसको लेकर की जा रही है। हालाँकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रही है, बौखलाई हुई है, लेकिन आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की तरफ से हर रोज़ अलग अलग सबूत पेश किए जाते हैं। स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो जारी की गई है, वीडियो वायरल की गई है जो कि इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसमें शराब घोटाले को लेकर बातचीत कही जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर घोटाला हुआ है। तो दिल्ली के कई जगहों पर ईडी की छापेमारी लगातार देखने को मिल रही है। जोरबाग, नई दिल्ली इलाके में ईडी ने छापा मारा है और उसके अलावा दिल्ली एनसीआर के अलावा दूसरे भी ऐसे राज्य हैं जहां पर ईडी की छापेमारी लगातार की जा रही है। 30 से ज़्यादा जगह है जहां पर ईडी ने छापा मारा है और छापेमारी लगातार जारी है। कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। लखनऊ, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में भी ये छापेमारी लगातार की जा रही है। चंडीगढ़ में भी ये छापेमारी इस समय की जा रही है शराब घोटाले को लेकर। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में भी जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी है, उसको लेकर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है।